नमस्कार, मैं प्रमोद सारस्वत, सारस्वत क्लासेस आपके अपने यूट्यूब चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। और आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है कार्यालय पत्र और उसके प्रारूप। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आ जाता है आपके आरएस में, संस्कृत कर्मचारी चयन बोर्ड भर्ती परीक्षा, आशुलिपि भर्ती परीक्षा 2024 में कार्यालय पत्र का, और इसमें से जरूरी रूप से प्रश्न बनते हैं। साथ में एलडीसी दे रहे हो, सीएटी दे रहे हो, या राजस्थान की कोई भी भर्ती आप दे रहे हो, उसमें भी ये टॉपिक आपका अनिवार्य रूप से और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर चलता है, और जहां से प्रश्न भी निकलते हैं। चलिए बात करते हैं, यहाँ पर समय ज्यादा खराब नहीं करेंगे। एक पत्र तो होता है जो दादा दादी को खुशियों के लिए, गम के लिए और ये लिखे जाते हैं, और एक होता है कार्यालय पत्र। तो दोस्तों, यहाँ पर जो पत्र के संदर्भित आपके क्वेश्चन आएंगे, वो आएंगे ज्यादातर आपके कार्यालय पत्र और प्रारूप, जो आपका एज पर सिलेबस है। तो यहाँ पर हम बात करने जा रहे हैं कार्यालय पत्रों की। एक व्यक्तिगत पत्र होते हैं दोस्तों, एक होते हैं कार्यालय पत्र। व्यक्तिगत पत्र क्या होते हैं, पत्रों के भी दो प्रकार हो गए। एक व्यक्तिगत पत्र जिसमें शोक सभा के लिए आपको देना है, अपनी बच्चों की पढ़ाई के लिए पूछना है, किसी की याद आ रही है, आपको प्रेम पत्र लिखना है, तो आप उसमें लिख सकते हो, वो सब व्यक्तिगत पत्र हो गए। और यहाँ पर अब अपन बात कर रहे हैं, तो ये हो गया कार्यालय पत्र। कार्यालय पत्र भी दो प्रकार के होंगे, एक व्यक्तिगत कार्यालय पत्र होगा और एक कार्यालय पत्र होगा। ठीक है, देखिए कार्यालय पत्र में आने वाले एवं कार्यालय पत्र से जाने वाले पत्र क्या कहलाते हैं। कार्यालय में आने वाले और कार्यालय में, कार्यालय क्या हो गया इंग्लिश में, ऑफिस हो गया, ऑफिस में आने और जाने वाले पत्र क्या कहलाएंगे, आपके कार्यालय पत्र कहलाएंगे। व्यक्तिगत क्या हो गया, व्यक्तिगत में प्रार्थना पत्र, आपने कोई चीज के लिए, काम कराने के लिए, लाइट लगाने के लिए आपने लिखा। सामान्य शिकायत पत्र, आपके रोड पे गंदगी हो रही है, आप नगर निगम को लेटर लिख रहे हो, तो सामान्य शिकायत पत्र। तो प्रार्थना पत्र, सामान्य शिकायत पत्र, ये किसके अंतर्गत आ जाएंगे दोस्तों, ये आ जाएंगे आपके व्यक्तिगत। ठीक है, इसके बाद अब मैं बात करूंगा कार्यालय पत्रों की। कार्यालय पत्रों में क्या होगा, व्यक्तिगत कार्यालय को भेजे जाने वाले पत्र क्या होंगे, व्यक्तिगत व्यक्ति या कार्यालय को, व्यक्ति या कार्यालय को भेजे जाने वाले पत्र जिसमें सामान्य पत्र, ज्ञापन, अनुस्मारक, परिपत्र, विज्ञप्ति, अर्धशासकीय पत्र, आदि सूचना, कार्यालय आदेश, प्रेस विज्ञप्ति, निविदा सूचना और टिप्पणी यहां पर इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए अब इसमें अपन आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले कार्यालय पत्र, व्यक्ति द्वारा कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप पे मैं बात करूंगा। तो किसी भी संगठन के कार्यालय से किसी भी व्यक्ति, व्यक्ति समूह या किसी अन्य संगठन को किसी की अपेक्षा रहती है, उसके लिए कार्यालय पत्र लिखा जाता है। ठीक है, देखिए किसी भी संगठन के कार्यालय में किसी भी व्यक्ति समूह, मतलब व्यक्तियों का जो समूह है, और किसी दूसरे संगठन मतलब दूसरे ऑफिस में को किसी कार्य की अपेक्षा, किसी कार्य को कराने के लिए कार्यालय पत्र लिखा जाता है। ऐसा पत्र तथ्यात्मक होता है, सुविचारित होता है, संयत भाषा में, सिंपल भाषा में लिखा होता है, ताकि पत्र को पढ़कर उसके समाधान से संबंधित अधिकारी सक्रिय हो जाए। सीधी शॉर्ट बात यह है, संक्षिप्त होना चाहिए, क्लियर बात रखी हुई होनी चाहिए, मर्यादित भाषा में होना चाहिए। ठीक है, उदाहरण, नगर परिषद अजमेर के कार्यकारी अधिकारी को एक पत्र लिखी जिसमें बढ़ते हुए प्रदूषण की ओर ध्यान आकर्षण करते हुए सफाई ना करने की शिकायत की गई हो। तो एक शिकायत पत्र हम ले रहे हैं व्यक्तिगत, इसके अकॉर्डिंग तो इसका फॉर्मेट क्या होगा, देखिए सबसे पहले कार्यालय पत्र, व्यक्ति द्वारा कार्यालय को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप क्या होगा। सबसे पहले तो व्यक्ति का नाम जो लेटर दे रहा है, ठीक है, उसके बाद में उसका एड्रेस, उसके बाद में डेट, और ये बाई और दाई देख लीजिएगा, बाई दाई से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे। तो इसमें क्या होगा, बीडी, बीडी पीते ना अपन दोस्तों, तो ये बीडी वाला पार्टी समझ लीजिए, इससे याद कर लिया करिए, हमेशा कभी भी कंफ्यूजन हो, बाया दाया क्या होता है, तो बी जो होता है, बी से बाया और डी से दाया, ठीक है, बीडी। तो ध्यान दीजिएगा, दाई ओर भेजने वाले का नाम, ठीक है, उसके बाद उसका एड्रेस, डेट, फिर आ जाएंगे बाई ओर, इसके नीचे कार्यकारी अधिकारी का, कार्यकारी अधिकारी उसका ऑफिस का एड्रेस, उसके बाद में जिला, फिर विषय लिखा है सफाई ना करने से शहर में बढ़ता हुआ प्रदूषण, ठीक है। इसके बाद आप संदर्भ लिख सकते हैं दोस्तों, संदर्भ क्या चीज होती है वो समझ लीजिए। संदर्भ के अंतर्गत क्या आता है, जिसमें आपने कोई, मान लो पहले कोई लेटर दिया हो, पहले कोई बात हो जिसमें आपको रिमाइंडर कुछ डालना हो, तो वो संदर्भ हो जाता है। उसके बाद आप इसमें महोदय या श्रीमान जी करके लिखते हैं, उसके बाद सामान्य समस्या का वर्णन यहां पर दिया जाएगा, इसके सुझाव दिए जाएंगे,
कार्रवाई करने का प्रस्ताव यहां पर होगा, ठीक है। आफ्टर देन संलग्न सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु, संलग्न सूची में क्या चीजें आती है वो समझ लीजिए। मान लीजिए आपने उसकी कोई फोटो दी है, आपने कोई पार्षद को या किसी को कोई लेटर साथ में एक लेटर और दिया है कि मैंने ये मान लीजिए एप्लीकेशन जो है वो पहले पार्षद को दी थी लेकिन उन्होंने मेरी सुनी नहीं, तो उसकी जो एप्लीकेशन की कॉपियां हैं, फोटोग्राफ्स हैं, या आपने किसी और को इस बारे में कोई तथ्यात्मक सूचना दी थी, ऐसी कोई सूचना अगर आपको उसके साथ संलग्न करनी है तो सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु उसमें आपको लिखना होगा कि मैंने संलग्न कौन कौन से डॉक्यूमेंट यहां पर कर रहा हूं, जैसे प्रीवियस जो एप्लीकेशन से या वो लिखना पड़ेगा, ठीक है। फिर आगे लिखना है प्रतिलिपि, प्रतिलिपि सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु। अब जैसे निदेशक स्थानीय निकाय विभाग राजस्थान सरकार, देखिए अपन ने ये किया था कार्यकारी अधिकारी नगर निगम परिषद को, और यहां पर हमने इसकी एक कॉपी स्थानीय निकाय विभाग को दे दी या मेयर साहब को दे दी, उपमेयर को दे दी, तो इस तरीके से हमने उसके पार्ट करने हैं। आगे बढ़ते हैं कार्यालय पत्र, कार्यालय से कार्यालय या व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप इसके अंतर्गत आएगा। देखिए इसमें सबसे पहले, अब ये तो हो गया हमारा व्यक्तिगत, अब हम बात कर रहे हैं कार्यालय से कार्यालय में व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप क्या होता है, ठीक है। कार्यालय से कार्यालय या व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप, तो देखिए कार्यालय से कार्यालय व्यक्ति को लिखे जाने वाले पत्र का प्रारूप क्या रहेगा। अब ये तो जो हमने अब तक पढ़ा था वो व्यक्तिगत थे, अब कार्यालय पत्रों की बात हम कर रहे हैं, और कार्यालय पत्रों में सबसे पहले इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन निकल के आएंगे, इसीलिए हम समझ लेते हैं कार्यालय का नाम पता सबसे ऊपर होगा। देखिए कार्यालय का नाम और पता सबसे ऊपर है कि नहीं है, ठीक है, जल्दी जल्दी समझेंगे। बाई ओर कार्यालय पत्र का क्रमांक, बाई ओर मैंने आपको बताया था ना, बाई ओर ये वाली दिशा हो गई बी, तो कार्यालय पत्र का क्रमांक हो गया, पत्र क्रमांक संख्या, जैसे हर उसमें ऑफिस में सेक्शन बने हुए होते हैं तो उसी प्रकार ये ऑफिस का कोई तीन सेक्शन है, और उसकी पत्रावली, पत्रावली होती है अलग अलग रजिस्टर, उस पत्रावली का नंबर है 9। अ आ ब इसका शॉर्ट टेस्ट दे दिया जाता है, जैसे अधिशासी अभियंता, ठीक है, तो अधिशासी अभियंता को दिया जा रहा है ना बहरोड अलवर, तो अ आ ब किस लिए, सुरक्षा के लिए, ये देखिए सुरक्षा डिपार्टमेंट है, तो हमने यहां पर क्या कर दिया सुरक्षा, कौन सी ईयर के अंदर ये हुआ 2018, और पत्रावली का नंबर क्या है वो हम लिख देते हैं कि मतलब जो पत्र जा रहा है उसका नंबर क्या है, तो 3296, इस तरीके से ये क्रिएट होती है, ठीक है। इसके जो सामने मतलब दाई ओर इसकी डेट दी जाएगी दोस्तों, इसके बाद में आगे देखिए दाई ओर दिनांक हो गई, इसके बाद विषय, विषय पे आ जाते हैं दोस्तों, तो यहां पर विषय 10 मई 2018 को आयोजित किसान रैली के दौरान विद्युत लाइनों की सुरक्षा हेतु, ठीक है। इसके बाद संदर्भ, कार्यालय से पत्र आया है और उसका उत्तर देना है, तो कार्यालय से आए हुए पत्र की क्रमांक का उल्लेख किया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर संदर्भ क्या हो गया, जिला कलेक्टर अलवर के कार्यालय में 25 फरवरी को हुई बैठक, मतलब उस बैठक में हुई थी, ये संदर्भ दिया हुआ है कि यहाँ पर ये चर्चा हो चुकी है। इसके बाद दोस्तों आगे हम बढ़ते हैं, क्या कह रहा है महोदय, देखिए इसके बाद छठा है अभिवादन सूचक शब्द, अभिवादन सूचक शब्द क्या हुआ, देखो महोदय हो गया क्या, चलिए आगे बढ़ते हैं। पत्र का शरीर एवं शैली, उत्तम पुरुष बहुवचन में समस्या का वर्णन, सुझाव कार्रवाई करने का प्रस्ताव रखा जाएगा, समझ लीजिए यहाँ पर क्या है पत्र का शरीर। अरे देखिए जब मैं भेज रहा हूं तो मैं बोलूंगा मैं ये चाहता हूँ, वो करना चाहिए, आपको ये करना चाहिए, यहाँ पर मैं नहीं अब हम है, क्योंकि कार्यालय किसी एक व्यक्ति के पीछे नहीं, पूरा जैसे लिपिक भी हो गया, यूडीसी है, एएसओ है, आईएएस है, आरएएस है, सबके पीछे चलेगा, तो यहाँ पर जो शैली होगी वो उत्तम पुरुष मतलब हम वाली बात होगी कि हम ये चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो गया, उत्तम पुरुष हो गया, मैं समस्या का वर्णन, सुझाव कार्रवाई करने का प्रस्ताव होगा। देखिए यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर समस्या की पृष्ठभूमि, समस्या के समाधान, प्रस्ताव ये आदि लिखे जाएंगे। संलग्न सूची, संलग्न मैंने आपको बताया था कि जो जो भी आपको उसके साथ में संलग्न करना है, उसके बाद भावदीय हस्ताक्षर और पद का नाम इसमें ऐड कर देना है, क्या करना है, भावदीय हस्ताक्षर पद का नाम, देखिए यहाँ पर भावदीय हस्ताक्षर जिसका भी है, अधिशासी अभियंता वहां का जो अधिशासी अभियंता जो हमने ऑफिस का था, और उसके नीचे क्या आ जाएगी, डेट आ जाएगी दोस्तों, ठीक है। और उसी प्रकार यहाँ पर जो अब देखिए आगे बढ़ते हैं 9 पॉइंट पे, 9 पॉइंट क्या कहता है, भावदीय हस्ताक्षर पद का नाम, स्वनिर्दिष्ट शिष्टता सूचक शब्द, उसके बाद प्रतिलिपि, हस्ताक्षर और पद का नाम, देखिए तो ये एज इट इज फॉर्मेट रहा,
यहाँ पर आपका जो अधिकारी है उसका मैटर आ चुका है। यहाँ पर क्रम संख्या, अगर वो पहले का जो क्रमांक संख्या थी, देखिए यहाँ की जो क्रमांक संख्या थी वो 96 थी, इस लेटर की जो नेक्स्ट क्रमांक संख्या वो कहां पर आ जाएगी, 97 यहाँ आ जाएगी। प्रतिलिपि सूचना आवश्यक कार्रवाई हेतु, और ये मैंने आपको पहले भी बता दिया कि प्रतिलिपि कहां भेजी जाती है, जब भी किसी और को भी उसकी कॉपी साथ में भेजी जाती है, कभी भी आपका जब नियुक्ति पत्र आएगा तब देखना प्रतिलिपि किन किन को 6-6, 7-7 डिपार्टमेंटों में भेजी जाती है, वही ये प्रतिलिपि का फॉर्मेट है। और यहाँ पर जो अधिकारी है उसका हस्ताक्षर जो है वो यहाँ पर हो जाएगा नीचे की तरफ, ठीक है। चलिए, और दोस्तों अगर आप कर रहे हैं स्टेनो या टाइपिंग की तैयारी तो आप 9887060188 पर कॉल करके और अधिक जानकारी ले सकते हैं। आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह के मोड जो है स्टेनो और टाइपिंग के वो यहाँ पर अवेलेबल होंगे। टेस्ट से रिलेटेड भी आप जो भी जानकारी लेना चाहते हैं वो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, कार्यालय पत्र, जिसको अब कार्यालय पत्र में एक और पार्ट आ जाता है, अर्धशासकीय पत्र। अभी तक जो हमने बात की थी वो एक तो पर्सनल पत्र की बात कर ली, एक शिकायती पत्र या जो भी व्यक्ति के द्वारा जो भेजे जाते हैं, एक कार्यालय के द्वारा जो भेजे जाते हैं, और एक होता है अर्धशासकीय पत्र। अब अर्धशासकीय पत्र के बारे में मैं चर्चा करूंगा, तो आधा शासकीय मतलब ये ऑफिस की से ही रिलेटेड बात होती है, तो ये अर्धशासकीय हो गया, और आधा व्यक्तिगत है, और आधा मतलब जैसे कोई अधिकारी किसी अधिकारी से कोई संपर्क करना चाहता है, कोई बात पूछना चाहता है, तो उस कंडीशन में ये दिया जाता है, तो ये आधा कार्यालय और आधा व्यक्तिगत होगा, लेकिन कार्यालय के काम के लिए ही लिखा जाएगा, ये कोई पर्सनल किसी को भेंट नहीं देनी है या फिर किसी को खुशखबरी है या भाई आपकी शादी की मुबारकबाद, ये सब इसके अंतर्गत नहीं आएगा। दो अधिकारियों के बीच का पत्र होता है, दो कार्यालयों के बीच का नहीं, ठीक है। तो क्या हुआ, दो अधिकारियों के बीच का पत्र दो कार्यालयों के बीच का नहीं, कार्यालय टू कार्यालय नहीं भेजा जाएगा, दो अधिकारी आपस में इसमें बात कर सकते हैं। महत्वपूर्ण वैचारिक आदान प्रदान करने, अधिकारियों का व्यक्तिगत रूप से ध्यान आकर्षित करने और उस कार्य को निपटाने के लिए दिया जाने वाला पत्र होता है, कि कोई विशेष फेवर्स के लिए भी अगर अपन डिपार्टमेंटल वर्क के लिए अगर कोई लेटर जारी कर रहे हैं कि सर आप मैं ये अधिकारी हूं और आप इस काम को जल्दी कर दीजिए, मतलब शीघ्र निपटान करने के लिए भी अर्धशासकीय पत्र जो है वो लिखा जाता है। देखिए, कार्यालय पत्र जो अर्धशासकीय पत्र जिसको हम डीओ लेटर भी कहते हैं, इसको लिखने का क्या तरीका है, सबसे पहले ऊपर बाईं ओर पत्र लेखन या अधिकारी का नाम और उसके नीचे पद। देखिए यहाँ पर देखिए, पहले तो राजस्थान सरकार जो है वो हमने दे दिया, जो अधिकारी होता है वो लिखता है, तो बड़े लेवल के जो अधिकारी होते हैं वो राजस्थान सरकार लगाते हैं, अदरवाइज छोटे लेवल के अगर अधिकारी होंगे तो वो नहीं लगाएंगे। यहाँ पर इन्होंने दे दिया कि सत्यपाल गुप्ता निदेशक जो लिखने वाला है, तो यहाँ पर उसने नाम और पद अपना दे दिया है, तो सबसे ऊपर बाईं ओर पत्र लिखकर अधिकारी का नाम और उसके नीचे पद आ गया। दाईं ओर कार्यालय का नाम, पता, दिनांक और पत्र क्रमांक आएगा। देखिए, अब दाईं ओर जिसको लिखा जाना है, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को, जयपुर 30 मार्च 2018, ठीक है, और जो उसका पत्रांक नंबर है, ठीक है, वो यहाँ पर दिया गया है, तो ये वाला डिपार्टमेंट का जो रूप है वो यहाँ पर आ चुका है, ठीक है। तो सत्यपाल गुप्ता, तो पहले तो आपको क्या देना है, यहां पर नाम और उसका पद, और फिर कौन सा डिपार्टमेंट है, तो डिपार्टमेंट आपको कहां देना है, अर्धशासकीय में राइट तरफ, जबकि अधिकारी का नाम और पद कहां पर आएगा, बाईं तरफ लेफ्ट साइड में, ठीक है। तो यहां पर अपना पद और क्रमांक नंबर जो होता है वो यहां पर हमने दे दिया है, लेकिन यहां पर एक इंपॉर्टेंट बात यह है कि अर्धशासकीय पत्र जो है, तो अर्धशासकीय पत्र को आ, शा और पत्र करके यहां पर मेंशन करना आवश्यक है, तो अर्धशासकीय पत्र क्रमांक पत्र ये आपको यहां पर दिख रहा है, ठीक है। इसके बाद में देखिए क्या इंपॉर्टेंट आता है, तो प्रिय श्री, आदरणीय श्री और पत्र पाने वाले का नाम पत्र लेखक अधिकारी के हाथ से अंकित नहीं। देखिए मतलब ये कि इसके जो फॉर्मेट होते हैं उसमें ये नाम आपको खुद अपने हाथ से लिखना होता है, बाकी फॉर्मेट एज इट इज चल जाता है, क्योंकि कभी क्या होता है जैसे लेटर हेड होते हैं या उस पर ये सब सेट होता है मामला, तो ऐसे में हम क्या करते हैं, जैसे मंत्रियों के पद या कभी भी ये होते हैं तो प्रिय आगे लिखा हुआ होता है और आगे पेन से भर दिया जाता है, तो ये फॉर्मेट में ये चीज आपको पेन से भरनी होती है। इसके बाद देखिए आपका यही अर्धशासकीय पत्र क्रमांक और ये सब चीज आ जाएगी, फिर दिनांक आ जाएगी, प्राप्त हुआ मतलब संदर्भ, कि पहले इसके बारे में अगर कोई संदर्भ आप देना चाहते हो तो संदर्भ यहां पर आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखिए मैं उत्तम पुरुष एकवचन शैली में जो है
वो पत्र होगा, मतलब ये पत्र क्या होगा, अर्थशास्त्र के मतलब मैं मेरी बात करूंगा कि मैं एक अधिकारी हूं और मैं किसी से कोई भी बात करना चाहता हूं या मेरा कोई काम कराना चाहता हूं कार्यालय का, तो मैं क्या करूंगा, उत्तम पुरुष एक वचन शैली में पत्र लिखूंगा जिसमें मैं और तुम आते हैं, ठीक है। इसके बाद शुभकामनाओं के अभिव्यक्ति पत्र लिखक अधिकारी के हाथ से टंकित नहीं। देखिए इसके बाद आपको क्या करना है, यहां पर जैसे हमने एक मैटर लिखा, ये जानकर प्रसन्नता हुआ है कि 13 जनवरी 2014 को चिकित्सकों के एक दल को आवश्यक उपकरणों सहित ग्राम हरिपुरा में भेजने हेतु उपयुक्त पत्र में लिखा, इस कार्य के लिए मैं अपने हमारे विभाग के ऊपर निदेशक श्री केके गे को तुरंत उचित व्यवस्था करने का अनुरोध कर रहा हूं, मतलब किसी काम को कराने की बात की जा रही है, ठीक है। और उसके बाद में शुभकामनाओं सहित यहाँ पर आप देंगे उसमें, ठीक है। और साथ में जो आपका पत्र का जो लास्ट होगा उसमें सद्भावी शुभेच्छु या आपका, ठीक है, और सत्यपाल गुप्ता, यहाँ पर हस्ताक्षर सत्यपाल गुप्ता होंगे और नीचे उसका नाम होगा, क्योंकि सिग्नेचर कैसे भी कर दिए जाते हैं तो समझ नहीं आता है कौन है, तो यहाँ पर सत्यपाल गुप्ता का सिग्नेचर और फिर नीचे उसका नाम होगा, जबकि लेफ्ट साइड में ये लेटर कार्यालय में किसको दिया जाना है उसका, यहाँ पर मनोहर वर्मा जिला कलेक्टर कोटा, जिला कोटा जिसको दिया जाना है, उसका नाम, उसका पद, उसका जिला, ये सब चीजें, मतलब ऑफिस का एड्रेस, जिला, ये सब यहाँ पर आएगा। तो यहाँ पर क्या होगा, जब भी भेजने किसको जिसको भेजना है अर्धशासकीय पत्र जिसको भेजना है वो लेटर के सबसे लास्ट में लेफ्ट में आएगा और सिग्नेचर जिसके जिसने भेजा है उसके राइट साइड में होंगे, ठीक है। देखिए शॉर्ट में समझ लीजिए क्या है अर्धशासकीय पत्र, राजस्थान सरकार बड़े अधिकारी है, राजस्थान सरकार बीच में होगा, लेफ्ट में अधिकारी का नाम होगा, राइट में अधिकारी का ऑफिस का नाम होगा, फिर नीचे आपने अपना जो संदर्भ और संदर्भ होगा वो दे सकते हैं। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा अर्धशासकीय में विषय नहीं होता है, क्या नहीं होता है, विषय नहीं होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है अर्धशासकीय में क्या विषय हो सकता है क्या विषय नहीं हो सकता है, इस बात का क्लियर करें। इसके बाद आपको अपना मैटर लिखना है, शुभकामनाओं सहित लिखना है, ये शुभकामनाओं सहित जो है वो कार्यालय लेटरों में नहीं होता, अर्ध कार्यालय लेटरों में होगा, और लेफ्ट साइड में पत्र के लास्ट में लेफ्ट में भेजे जाने जिसको भेजना है उसका नाम, एड्रेस और ये सब देना है, और राइट में जो भेजा है उसके सिग्नेचर और उसका नाम होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं कार्यालय पत्र में अनुस्मारक। अनुस्मारक क्या होता है, रिमाइंडर होता है। रिमाइंडर का क्या मतलब है समझिए, किसी कार्यालय द्वारा पहले भेजे जाने वाला पत्र का वहां से उत्तर ना आने पर उसको स्मरण कराने के लिए दिया जाने वाला पत्र। इस चरणों की भर्ती में बहुत बार अनुस्मारक भेजे गए कि जब ये कहा जाता था कि भाई आप कितनी सीटें खाली है वो भर के भेज दीजिए, जब डिपार्टमेंट नहीं भेजता था तो फिर स्मारक भी भेजा जाता था रिमाइंडर की भाई बता दो आपके कार्यालय में कितने पद है। सामान्य कार्यालय पत्र जैसे अनुस्मारक का प्रारूप होता है, कार्यालय का नाम, पता, पत्र क्रमांक, दिनांक, महोदय, बहुदी, किंतु शीर्षक में अनुस्मारक लिखा जाता है, ठीक है। तो मिड में क्या लिखा जाएगा, यहाँ पर अनुस्मारक जरूर लिखा जाएगा। संदर्भ में पहले भेजे गए पत्र का क्रमांक अवश्य अंकित होता है, हमारा पूर्व पत्र, तभी तो रिमाइंडर क्या है, पूरे पहले वाले लेटर का ही तो रिमाइंडर है, तो ये जरूर दिया जाएगा और उसकी दिनांक दी जाएगी। पूर्व के पत्र की पूरी विषय वस्तु का दोहरान नहीं होता, उसका केवल संकेत भर होता है और कार्य शीघ्र कराने का अनुरोध होता है, मतलब ये बार बार पूरी चीज नहीं बताई जाएगी अरे हमने किस चीज के लिए क्या मांगा था, सीधी बात है क्रमांक पत्र हो जाता है और बोले इस चरण ग्रापर भर्ती बाबत जो पद मांगे गए थे उसके लिए हमें ये चाहिए, तो इसमें क्या हो गया, विषय वस्तु का दोहरान नहीं होगा, केवल संकेत होगा और कार्य शीघ्र कराने हेतु अनुरोध साथ में किया जाएगा। जैसे यहाँ पर देखिए राजस्थान सरकार और डिपार्टमेंट का यहाँ पर फॉर्मेट भी है कि कार्यालय निदेशक पशुपालन विभाग आ गया, लेफ्ट साइड में मतलब आपके बाई ओर क्रमांक पत्र आ गया, यहाँ पर राइट ओर दिनांक आ गया, बीच में अनुस्मारक लिखना जरूरी है, कंपल्सरी है। यहाँ पर डिपार्टमेंट जो लेफ्ट साइड है वहां पर डिपार्टमेंट का नाम आ गया है, ठीक है। साथ में विषय यहाँ पर देना जरूरी है, विषय है चिकित्सा संबंधी विवरण भेजने हेतु, ठीक है। और संदर्भ यहाँ पर दे दिया, मतलब ये कि बिल्कुल विषय के अंदर ही आपको शॉर्ट में बता दिया है कि आशु लिपि भर्ती के पद हेतु इस तरीके से या फिर चिकित्सा संबंधी विवरण भेजने हेतु, मतलब एक शॉर्टेस्ट विषय दे दिया। संदर्भ के अंदर पुरानी जो डिटेल जो लेटर भेजे गए हैं वो दे दिया गया है, ठीक है। इसके बाद में यहाँ पर महोदय और फिर आगे कृपया इस विषय पर उपयुक्त पत्र का अवलोकन करें, उस उत्तर को अभी प्राप्त नहीं हुआ है, चिकित्सा संबंधी विवरण को विधानसभा के आगामी प्रस्तुत करना है, अविलंब भिजवाने की कृपा करें। मतलब ये कि किसी चीज की जब सूचना दी जाती है तो बिल्कुल शॉर्ट तरीके से ये लिख दिया जाएगा, संलग्न उत्तर पत्र की छाया प्रति
ठीक है, मतलब उसमें पहले कोई लेटर दिया गया है तो वो संलग्न दे सकते हैं, यहाँ पर भौधीय और हस्ताक्षर होगा अधिकारी का, और यहाँ पर निदेशक का जो पद है वो यहाँ पर आ जाएगा। तो ये शॉर्टेस्ट तरीका हो गया। इसके बाद बात करता हूँ कार्यालय पत्र, जिसको आप परिपत्र कहते हैं। परिपत्र का क्या मतलब होता है वो समझ लीजिए। परिपत्र का मतलब ये होता है दोस्तों कि जब एक ही लेटर, एक ही सूचना सारे अधिकारियों को डिपार्टमेंट में, अपने डिपार्टमेंट के सारे अधिकारियों को, सारे लोगों को, चपरासी को, क्लर्क को और यूडीसी को, सबको देने हैं एक ही सूचना, तब परिपत्र का यूज किया जाएगा। परिपत्र को सर्कुलर भी कहते हैं। जैसे प्रिंसिपल कभी हुआ करता था, या फिर कभी भी आप ये देखिएगा, मान लीजिए आपके ऑफिस का बॉस है और कल की छुट्टी करनी है, मान लीजिए, तो क्या करेंगे आप? वो किसी को, एक चपरासी को बोलेगा, वो सारे का कैबिनों में जाके बता देगा कि हाँ भाई अब कल ये होने वाला है, या फिर कल मान लो लड्डू खिलाएंगे या कुछ भी करेंगे, तो सारे लोगों को सर्कुलर कर देगा, सर्कुलेट कर देगा कि वो जो सूचना है वो सर्कुलर कर देगा। ठीक है, यहाँ पर आ जाते हैं किसी अधिकारी द्वारा अपने समकक्ष, समकक्ष मतलब समान, ठीक है, या अधीनस्थ, अधीनस्थ मतलब छोटे, अनेक अधिकारी और कर्मचारियों को एक ही विषय पर एक ही आशय का पत्र अगर भिजवाया जाएगा तो परिपत्र के अंदर आएगा। कार्यालय के नाम और पते के बाद क्रमांक पत्र का डिस्पैच नंबर एक साथ लिख दिया जाता है, मतलब डिस्पैच नंबर सबका अलग अलग नहीं होगा, लिख दिया जाएगा। जैसे 41 से लेकर, मान लो इसमें 9 ही लोग हैं, तो 41 से लेकर 50 लोग तक, तो 41 से 50 क्रमांक नंबर दे दिया जाएगा, या फिर 41 से जो है बहुत सारे लोगों को जा रहा है तो 41 से 620 क्रमांक नंबर दे दिया जाएगा, मतलब इसके अधीन आपके ये इतने लेटर जो है वो गए हैं। ठीक है, परिपत्र एक पत्र, ज्ञापन, आदेश किसी भी रूप में हो सकता है। ठीक है, ये पत्र का प्रारूप भी हो सकता है, ज्ञापन भी हो सकता है, आदेश भी हो सकता है। ठीक है, ये सारी चीजें हो सकती है, सूचना हो गया, आदेश हो गया कि आपको इसकी पालना करनी ही करनी है, मतलब कल आपको लाल टी शर्ट पहन कर आनी है, वो भी हो सकता है। ठीक है, संबोधन में सभी जिला कलेक्टर, सभी प्राचार्य आदि लिखा जाता है, तो यहाँ पर जैसे सभी अधिकारीगण, सभी कलेक्टरों को देना है तो सभी कलेक्टर, सभी प्राचार्य को देना है तो सभी प्राचार्य, इस तरीके से आप जो है वो परिपत्र दे सकते हैं। इसके बाद आता है कार्यालय पत्र में ही विज्ञप्ति। ठीक है, देखिए, आम जनता को किसी कार्यालय के कार्यों कार्यक्रमों की जानकारी देने के लिए जो समाचार पत्रों में सार्वजनिक स्थलों पर कार्यालय की सूचना पट या सूचना जारी की जाती है उसको विज्ञप्ति कहते हैं। मान लीजिए कि आपके कोई कैंप लगाए जा रहे हैं, हेल्थ कैंप लगाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो आम जनता को सूचना देने के लिए क्या जारी की जाएगी? विज्ञप्ति जारी की जाएगी, जो कि कार्यक्रमों की जानकारी देंगे, और ये समाचार पत्रों में, सार्वजनिक स्थलों पर लगाए जाएंगे, पोस्टरों के तौर पे आपको समाचार पत्रों में दी जाएगी, सूचना पत्र पर ऑफिसों पे ये लगा दिया जाएगा। ठीक है, वैधानिक किस्म की सूचना को गजट राजपत्र में प्रकाशित की जाती है उसको अधिसूचना कहते हैं। आप देखिए, अगर मान लो कोई नियम बना है, कोई कानून बना है, या फिर कोई वैधानिक रिलेटेड कोई चीज अगर अपडेट हुई है, तो फिर वो कार्यालय पत्र की विज्ञप्ति में नहीं आएगा, वो किसके अंदर जाएगा? वो दोस्तों अधिसूचना के अंदर जाएगा, जो कि गवर्नमेंट गजट पेश करती है, राजपत्र पेश करती है, वो उसके अंतर्गत रहेगा। ठीक है, व्यवसायिक कार्य के लिए किसी उत्पाद कार्यक्रम के प्रचार के लिए सूचना जारी की जाएगी तो उसको विज्ञापन कहेंगे। कोई कंपनी अपना एडवर्टीजमेंट कर रही है तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, विज्ञप्ति के अंतर्गत नहीं आएगा। कोई प्रोडक्ट वो अगर लॉन्च कर रही है तो वो इसके अंतर्गत नहीं आएगा, वो एडवर्टीजमेंट है। समाचार न्यूज के रूप में जो कार्यालय द्वारा निःशुल्क प्रकाशन या प्रसारण सूचना भिजवाई जाती है उसको प्रेस विज्ञप्ति कहते हैं। मतलब ये कि जो प्रेस विज्ञप्ति होती है गवर्नमेंट की, जो आम जनता से रिलेटेड होती है, उसको जब प्रकाशित कराया जाता है तो वो निःशुल्क प्रकाशित करनी होती है समाचार पत्रों को या टीवी को, तो इसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज जो है वो गवर्नमेंट को नहीं देना होता है। कार्यालय पत्र जो विज्ञप्ति होती है उसके बारे में और हम पता कर लेते हैं। विज्ञप्ति में सबसे ऊपर तो कार्यालय पत्र का नाम और पता होना चाहिए। ठीक है, नाम पते के नीचे बाई ओर, जो ये बाई ओर वाला पार्ट हो गया, वह पत्र क्रमांक होगा, और दाई ओर दिनांक होगी, डेट होगा। मैंने आपको बता दिया जो पत्र क्रमांक होता है और डेट होती है, ये लेफ्ट और राइट। विज्ञप्ति में शीर्षक भी दिया जाता है ताकि संबंधित लोग उसे पढ़ सके। फिर भी विज्ञप्ति की सामग्री दी जाती है। अंत में दाई ओर विज्ञप्ति जारी करने वाले अधिकारी का पद, ठीक है, दाई ओर कौन सा? अंत में यहां पर इस जगह पे तो पद अंकित किया जाता है। ठीक है, कि जैसे वो कौन सा अधिकारी है, कलेक्टर है या जो भी है, वो उसको पद देना पड़ता है। विज्ञप्ति का प्रारूप समझ लीजिए, यहाँ तो डिपार्टमेंट का क्या आ चुका है, नाम आ चुका है, यहाँ पर पत्र संख्या आ चुकी है, यहाँ पर डेट आ चुकी है, यहाँ पर विज्ञप्ति की संख्या आ चुकी है कि पुस्तक विक्रेताओं का पंजीकरण करने हेतु। ठीक है, यहाँ पर विज्ञप्ति की विषय वस्तु दी जाएगी, और नीचे जो डिपार्टमेंट का अधिकारी है जिसने भी ये की है उसका जो पद है
वो यहाँ पर दे दिया जाएगा। अगर देखिए ये लेटर डिपार्टमेंट में चिपकाया जा रहा है तो यहाँ पर सिग्नेचर भी हो जाएगा, और अगर इसको न्यूज़पेपर में दिया जा रहा है तो फिर यहाँ पर ये सिग्नेचर की नीड नहीं है, सिर्फ सचिव लिख दिया जाएगा। कार्यालय पत्र में एक होती है प्रेस विज्ञप्ति। देखिए प्रेस विज्ञप्ति क्या है, किसी कार्यालय द्वारा अपने कार्यालय गतिविधियों की जानकारी आम जनता को देने हेतु समाचार पत्र, रेडियो, दूरदर्शन पर प्रकाशित प्रसारित होने के लिए बनाया जाने वाला समाचार प्रेस विज्ञप्ति कहलाता है, जो न्यूज चैनल्स में फैलाना हो। ठीक है, प्रेस विज्ञप्ति समाचार पत्र आदि में निःशुल्क प्रकाशित होती है, जैसा मैंने बताया। प्रेस विज्ञप्ति संक्षिप्त होती है ताकि आसानी से छाप सके। देखिए न्यूज़पेपर वैसे कमाने के लिए बने होते हैं, तो ऐसे में न्यूज़पेपर भी ये कहते हैं कि आपकी जो विज्ञप्ति है, प्रेस विज्ञप्ति है, वो बिल्कुल छोटी से छोटी और बिल्कुल संक्षिप्त रूप से होनी चाहिए, तभी हम उस चीज को छापेंगे, क्योंकि वो बाध्य नहीं है कि उनको ये करना जरूरी है। प्रेस विज्ञप्ति में फोटो भी भेजी जा सकती है। प्रेस विज्ञप्ति की भाषा सहज सरल पाठक के लिए आकर्षक होनी चाहिए। ठीक है, क्या होनी चाहिए, प्रेस विज्ञप्ति की भाषा सहज होनी चाहिए, सरल होनी चाहिए, पाठक के लिए आकर्षित होनी चाहिए। यहाँ पर ध्यान दीजिए, आप देखिए इसका जो फॉर्मेट है वो क्या रहेगा, यहाँ पर हस्ताक्षर कहे गए जिला कलेक्टर बीकानेर जिला। ठीक है, ये हमने दे दिया। यहाँ पर लेफ्ट में पत्र क्रमांक संख्या सूचना तत्व ये हो गया, और ये वाली चीज रही, तो ये इसमें इस वाले फॉर्मेट को एक बार के लिए आप कैंसिल कर दीजिए, विज्ञप्ति का ये वाला पार्ट नहीं है। ठीक है, तो ये बीच की इसको अपन एक बार के लिए कैंसिल कर देते हैं। ठीक है, ये वाला हमारा ये फॉर्मेट के लिए जो मेन चीजें हैं विज्ञप्ति से रिलेटेड क्वेश्चन है वो यहाँ पर कवर हो गए। आगे बढ़ते हैं, कार्यालय पत्र निविदा सूचना, जिसको हम कहते हैं टेंडर नोटिस। टेंडर नोटिस के अंदर क्या क्या होगा, कार्यालय में सामान्य क्रय करने, मतलब मान लो कोई सामान हमें खरीदना है, बेचना है, मकान सड़क आदि बनवाने के लिए, विक्रेताओं क्रेताओं निर्माताओं को खरीदने के लिए, मतलब सीधी बात समझ लीजिए, रोड बनाना है विज्ञप्ति जारी कर दी, बाथरूम बनाने विज्ञप्ति जारी कर दी, मेरे को टेबल कुर्सी बेड चाहिए तो मैंने क्या करा, विज्ञप्ति जारी कर दी। तो दोस्तों जब भी विज्ञप्ति जारी की जाएगी तो हम इस चीज को एड ऑन कर देते हैं कि एक निविदा निकाल दो। ठीक है, लेकिन वर्तमान में राजस्थान में 50,000 रुपए तक का सामान क्रय करने और बेचने की लिमिटेड टेंडर जारी की जाती है, जो सीमित संख्या में संबंधित क्रेता विक्रेता और एक होता है। देखिए सीधी बात समझ लीजिए, टेंडर दो प्रकार के होते हैं, एक लिमिटेड टेंडर होते हैं, एक ओपन टेंडर होते हैं। लिमिटेड टेंडर क्या होते हैं, मान लो मेरे को 40 या 50 कुर्सियां ही चाहिए, 40-50 कुर्सी मतलब 50,000 से के अंदर अंदर। अब मैं इसमें मान लो एडवर्टीजमेंट निकालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, 10,000 रुपए तो एडवर्टीजमेंट के लग गए। अब 50,000 का मुझे अगर मान लो सामान खरीदना है और उसमें 10,000 तो मैं एडवर्टीजमेंट भी कर दूंगा, फिर उसमें टाइम और लगाएगा, निविदा भरूंगा, ये भरूंगा, टाइम खराब होगा। इसके लिए मैं क्या करूंगा, सीधे सीधे मान लो 10-15 दुकान वालों को मैं जानता हूँ, हमारे अधिकारी लोग जानते हैं, तो उन पर टेंडर का लेटर जारी कर देते हैं कि भाई आप अगर हमें कुर्सियां प्रोवाइड कर दीजिए क्या रेटों पर लगाओगे। तो एक तो होता है लिमिटेड टेंडर, जिसमें हम कंपनियों को, दुकानों को, या सरकार जो होती है वो सीधे लेटर जारी कर देती है और निश्चित लोगों से ही ये सुविधा मांगी जाती है। दूसरा 50,000 रुपए से अधिक का, मतलब 5 लाख का टेंडर है, 10 लाख का टेंडर है, तब फिर वो खुली ओपन टेंडर नोटिस के अंदर जाएगा। और इसके अंदर का मतलब मैं आपको शॉर्ट में समझा देता हूँ दोस्तों, कि अगर आपके पास जैसे मान लो 50,000 का टेंडर से ऊपर का लगता है, जैसे 90,000 का टेंडर लिया किसी ने, तो यहाँ पर अब सब लोग लगा सकते हैं, ये इंटरनेट के माध्यम से हो सकता है, ये ऑफलाइन माध्यम से हो सकता है, 1,00,000, 10,00,000, 2,00,00,000, 3,00,00,000, 5,00,00,000 वो सब किसके अंतर्गत का आएगा, ओपन टेंडर नोटिस के अंदर आएगा। कार्यालय पत्र निविदा सूचना के बारे में और अधिक जानकारी लेते हैं। निविदा सूचना में निविदा प्राप्त करने की तिथि, समय, निविदा खोलने का दिनांक, समय, स्थान उल्लेख अवश्य किया जाता है। देखिए चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, अब जब ये ओपन होगी, पहले इसके बारे में किसी को कोई सूचना नहीं मिलती कि किसने कितने की भेंट लगाई है, ये इसका एक फिक्स टाइम होगा, जब गवर्नमेंट सबके सामने, सारे टेंडर वालों के सामने निविदाएं खोलती है, जिसकी निविदा सबसे कम होती है। मान लो किसी काम को करने के लिए किसी ने एक सीआर की बोली लगाई 1 करोड़ की, किसी ने 99 लाख में ही वो बोला कि मैं तो 99 लाख में कर दूंगा, एक मैंने लगा दी 96 लाख तो 96 लाख के अंदर ही मैं कर दूंगा बोले, तो क्या होगा उस काम के लिए, अगर मैं पात्र हूं और मैंने 96 लाख लगाई है तो ये बोली किसके, मेरे को मिल जाएगी, तो यहाँ पर कोई भी विश्वासघात नहीं हो, इसीलिए सबके सामने एक टाइम दे दिया जाता है, उस दिन उसके सामने ये बोली जो है वो ओपन होती है, खुली दिन समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाती है, कार्यालय के बाहर सार्वजनिक स्थानों पर भी प्रदर्शित की जाती है। प्राप्त निविदा में त्रुटि होने पर निविदा सूचना जारी करने वाले अधिकारी उस निविदा को निरस्त करने का अधिकार रखता है। मान लीजिए कोई एक्सपीरियंस मांगा गया और एक्सपीरियंस आपके पास सही नहीं, तो फिर ऐसे में आपकी जो निविदा है उसको निरस्त भी किया जा सकता है। कार्यालय पत्र में ही कार्यालय टिप्पणी, अब नेक्स्ट आता है ऑफिस नोटिस। देखिए क्या होता है,
आप एक छोटी बात समझ लीजिए, कभी भी कोई ऑफिस में काम करती है तो कोई बीके डिपार्टमेंट में गई कोई फाइल, अब उस डिपार्टमेंट में फाइल जब जाती है तो एक अकेला अधिकारी काम नहीं करता है, एलडीसी भी काम करता है, एलडीसी उसको कुछ इंगित कर देता है। अब मान लो एलडीसी ने आज बैठ के कोई काम किया, कल वही फाइल यूडीसी के पास पहुंच गई, परसों आरएस के पास पहुंच गई, आरएस को कोई कमी लगी वो वापस एलडीसी के पास चली गई। अब मेरे को ये बताओ कि इसके इस पूरे काम में ये इन लोगों को पता कैसे चल रहा है कि भाई परसों के दिन किसके पास फाइल थी, और मान लो अधिकारी को कुछ गड़बड़ लगी तो वो क्या बोलेगा, कहां चल रही है इतने दिनों से ये फाइल, तो फिर वो बोलेगा साहब वो तो उसके पास थी, वो तो उसके पास थी। ऐसा नहीं होता है कार्यालय में, एक इस तरह का एक फॉर्मेट, जब भी फाइल होती है तो उसके आगे एक टिप्पणी का फॉर्मेट लग जाता है, तो इस तरीके का एक फॉर्मेट होता है, यहाँ पर आपकी जो टिप्पणी होती है वो लिखी हुई होती है दोस्तों, और यहाँ से आप अपना जो मेन मैटर यहाँ लिखते हैं, यहाँ पर आपके डेट और जो क्रमांक होते हैं कि 1 2 3 4 वो लिखी जाती है, और उसमें जब भी कोई मैटर लिख दिया जाता है, मान लीजिए कोई भी किसी भी चीज को लेकर कोई फाइल चल रही है कि भाई इसको ये आवंटित करा जाए, कोई मकान आवंटित करा जाए, कोई जेडी में हो, कहीं पे भी हो, तो वहां पे देखिए यहाँ पर आपको मैटर लिखना होता है। जैसे एलडीसी के पास में आया तो एलडीसी ने बोला कि यहाँ पे मैंने अपने सारे डॉक्यूमेंट इनके चेक कर लिए हैं और ये प्रेषित आगे की जाती है, नीचे यहाँ पर वो साइन कर देगा और यहाँ पर वो तारीख लिख देगा कि आज मैंने अपना ये काम करके आगे टिप्पणी कर दी है। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि हर अधिकारी अपना अपना काम भाई अपनी तरफ से जो भी चेक करके, जैसे अकाउंट्स डिपार्टमेंट में गई तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट बोल देगा कि हाँ भाई मैंने ये इसका ये सेक्शन चेक कर लिया है, इसमें इतने इतने रुपए का ये इसको टैक्स देना है, तो और फिर नीचे वो सिग्नेचर कर देगा, यहाँ पर डेट डाल देगा और उसको फिर आगे फाइल बढ़ा देगा, तो प्रोसीजर वो दूसरे डिपार्टमेंट में ले जाएगा, आरएस के पास ले जाएगा, आरएस आईएएस को भेज देगा। अब यहाँ पर देखिए इंपॉर्टेंट बात क्या क्या होती है, मैंने मेन कंसेप्ट समझा दिया, अब यहाँ आ जाते हैं। कार्यालय में आए हुए पत्र पर कार्रवाई करने या कार्यालय में स्वमेव कोई कार्य करवाने के लिए लिपिक से लेकर अंतिम अधिकारी पर किसी कार्य की पृष्ठभूमि स्पष्ट कर अंत में कार्य करने का जो प्रस्ताव या आदेश प्रस्तुत किया जाता है उसको टिप्पणी कहते हैं। मतलब सारा काम होने के बाद में फिर इसको अनुमोदन कर दिया जाता है, अधिकारी लास्ट में सिग्नेचर करता है और वो काम फाइनल हो जाता है। कार्यालय टिप्पणी में अधीनस्थ अधिकारी उच्च अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करते हैं तथा उच्च अधिकारी अधीनस्थ अधिकारी को आदेश देते हैं। देखिए मतलब क्या कह रहे हैं, जो अधीनस्थ अधिकारी होगा छोटा अधिकारी उच्च अधिकारी को तो प्रस्ताव कि यह प्रस्ताव दे रहा हूं मैं, ठीक है, और उच्च अधिकारी नीचे वाले को बोलते हैं कि मैं ये आदेश दे रहा हूं, तो ये भी बड़ी बात है कि वो तो क्या बोलेगा कि हम प्रस्तावित करते हैं इसको कि हाँ भाई ये ऐसा होना चाहिए, और ऊपर वाला बोलेगा मैं आदेश करता हूं कि ऐसा होना चाहिए, आदेश का मतलब होता है कि ये होना ही चाहिए। कार्यालय टिप्पणी उसी कार्यालय के उपयोग के लिए होती है, सामान्यतः कार्यालय के बाहर नहीं की जाती, मतलब वही मैंने कहा डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट के अंदर ही चलेगी, इन डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट नहीं, इन डिपार्टमेंट। लिपिक टिप्पणी लिखकर उसमें अपने से उच्च अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, ठीक है, लिपिक जो होता है टिप्पणी लिखकर उसमें अपने से उच्च अधिकारी को प्रस्ताव प्रस्तुत करता है, मतलब समझो लिपिक जो है वो अपने बड़े अधिकारी है उसको मैंने वही समझा दिया कि प्रस्ताव लिखेगा और बड़ा अधिकारी क्या करेगा आदेश लिखेगा, ठीक है। टिप्पणी में अपने से उच्च अधिकारी को प्रस्ताव दिए जाएंगे, और बाई ओर मतलब ये जैसे ये लेटर हुआ तो बाई ओर ये वाली इस जगह पे मैंने आपको बताया था तारीख, तो दाई ओर हस्ताक्षर और दिनांक अंकित करेगा, जबकि ठीक है, और टिप्पणी लेखन में निम्नांकित गुण होने चाहिए, ध्यान दीजिएगा इसमें देखिए टिप्पणी लेखन में क्या क्या गुण होने चाहिए वो भी देख लेते हैं। संबंधित प्रकार से संबंधित सभी महत्वपूर्ण तथ्यों का संक्षेप में उल्लेख होना चाहिए, बिल्कुल शॉर्टेस्ट भाषा में लिखूं, उस प्रकरण से संबंधित नियम और परंपराओं का उल्लेख होना चाहिए, मतलब सेक्शन इसके तहत ये काम हो रहा है, नियम परंपराओं का विश्लेषण होना चाहिए, अंत में उस प्रकरण पर क्या निर्णय लिया जा सकता है उस प्रस्ताव को प्रस्तुत किया जाना चाहिए। मान लो किसी का डॉक्यूमेंट कम है तो मैं प्रस्ताव करता हूँ उस फाइल को रोक दिया जाए, ठीक है, और फिर अगर मान लो अधिकारी के पास गई और वो बोलता है कि हाँ भाई वैलिड रीजन है तो वो लिख देगा मैं आदेश करता हूँ इस फाइल को कैंसिल कर दीजिए। आगे बढ़ते हैं, ठीक है, टिप्पणी की भाषा सरल स्पष्ट और सार गर्भित होनी चाहिए, कागज में बाई और दाई और दोनों ही आशा छोड़कर क्रमिक नंबर डालते हुए लिखी जानी चाहिए। मैंने आपको बताया था ना कि दोनों आशी इस तरीके से छोड़े जाते हैं और यहाँ पर टिप्पणी होती है इस तरीके से, ठीक है, तो टिप्पणी में दोनों ही आशियों को छोड़कर क्रमिक नंबर डालते हुए लिखी जानी चाहिए, बीच में मैटर जो है वो लिखा जाता है। टिप्पणी में उस पत्रावली के किसी पत्र प्रपत्र टिप्पणी का उल्लेख ध्वज का ध्वज ख के रूप में करना चाहिए ताकि संबंधित प्रपत्र ध्वज लगाना चाहिए। मान लो फाइल है, फाइल मोटी सारी है, अब इसमें मैंने कहा कि भाई इसके छठे पेज पर
इसमें कोई इश्यू है तो हम क्या करेंगे, ध्वज जो स्टिकर होता है वो स्टिकर उस पर चिपका के लिख दूंगा कि ध्वज नंबर, ध्वज का या फिर वो पेज भी दिया जा सकता है, ध्वज सेग किया जा सकता है। तो वो एक ध्वज क्या हो गया, वो एक स्टिकर जो अपन अलग अलग कलरों के स्टिकर होते हैं ये उसी को लेके बात कर रहा है। अधीनस्थ अधिकारी की टिप्पणी पर उससे उच्च अधिकारी द्वारा टिप्पणी लिखी जाती है उसे आनुषंगिक टिप्पणी कहते हैं। तो अधीनस्थ अधिकारी की टिप्पणी पर जब ऊंचे अधिकारी को जो टिप्पणी लिखी जाएगी उसको क्या कहेंगे, आनुषंगिक टिप्पणी, जिसमें प्रस्ताव प्रस्तुत करता है। तो ये किस प्रकार की टिप्पणी होगी, आनुषंगिक टिप्पणी, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, आपको याद रहना चाहिए, ठीक है। और दोस्तों ध्यान रखिएगा, जो ये प्रपत्र होगा इसमें लेफ्ट और तो सिग्नेचर अधीनस्थ अधिकारी करेंगे और जो बड़ा जो आदेश गर्भित करेगा वो राइट साइड में अपने सिग्नेचर करेगा, इस बात का भी यहाँ पर ध्यान रखिएगा। आगे बात करते हैं कार्यालय पत्र में ज्ञापन या फिर कार्यालय ज्ञापन। भ्रांतिवश छपने से बड़े अधिकारियों को मंत्री, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री को दिए जाने वाले पत्र को ही ज्ञापन कह देते हैं। जैसे हम कई बार आपने देखा होगा कि जैसे भर्ती के लिए आज हमने ज्ञापन प्रस्तुत किया मुख्यमंत्री जी को, है ना। तो ये कई तरह की चीजें जो हम सुनते हैं वो एक्चुअली ज्ञापन नहीं होता है, वो सामान्य पत्र ही होता है। तो समाचार पत्रों में भी ऐसे पत्रों को क्या कहा जाता है, ज्ञापन। जैसे छात्रों ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन दिया, किंतु कार्यालय पत्र प्रारूप पद्धति में इसको ज्ञापन नहीं कहेंगे, जबकि सार्वजनिक मुद्दों पर दिया जाने वाला पत्र ही होता है। आपको होता है ना कि कल छात्र नेता जाके मुख्यमंत्री को ज्ञापन सौंप कर आए हैं, तो वो एक्चुअली ज्ञापन नहीं है। न्यूज़पेपरों में भी ये लिखा जाता है लेकिन वो ज्ञापन नहीं, वो एक सार्वजनिक मुद्दे पर दिया जाने वाला सामान्य पत्र होता है। ज्ञापन का प्रारूप कार्यालय पत्र के प्रारूप से भी सरल होता है। कार्यालय पद्धति में ज्ञापन अपने से बड़े अधिकारी को नहीं दिया जाता, ठीक है। कार्यालय के अंदर जब हम इंडिविजुअल दे एक अलग बात है, कार्यालय में जो ज्ञापन होता है वो कभी भी अपने से बड़े अधिकारी को नहीं बल्कि अपने समकक्ष और अधीनस्थ अधिकारी या कर्मचारी को दिया जाता है। ये इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा, क्वेश्चन एजेंटिस उठ के आ सकता है, ये पॉइंट बिल्कुल वैलिड रहेगा। ज्ञापन अपने कार्यालय के अधिकारी कर्मचारियों को दिया जाने वाला आंतरिक पत्र है, मतलब ये दूसरे डिपार्टमेंट में नहीं जा सकता है, ये कर्मचारियों को अपने ही डिपार्टमेंट में दिया जाता है। जबकि कार्यालय पत्र कार्यालय से दूसरे कार्यालय को अर्थात कार्यालय से बाहर जाने वाला प्रारूप होता है। ज्ञापन अन्य पुरुष शैली में लिखा जाता है तथा यह संक्षिप्त है, ठीक है। तो ये क्या होगा, अन्य पुरुष, ठीक है, उनके लिए या इनके लिए, जो अगर अन्य पुरुष होगा ये वहां पर होगा। ज्ञापन में संबोधन महोदय, मान्यवर आदि होगा, ना कि बहुदीय या स्वनिर्देशन होगा, ठीक है। महोदय या मान्यवर इस तरह की चीजें लिखी जाएगी। कार्यालय का नाम पत्र क्रमांक दिनांक विषय सामग्री अधिकारियों के हस्ताक्षर एवं उसके पद का नाम इसके अंतर्गत आना चाहिए। इसके बाद आता है कार्यालय पत्र जिसको हम बोलते हैं अधिसूचना भी। कोई सरकारी नियम, आदेश, चेतावनी, नियुक्ति आदि आम जनता की जानकारी में लाने के लिए राजपत्रित प्रकाश को अधिसूचना कहते हैं। मतलब समझ लो राष्ट्रपति की ओर से या राज्यपाल की ओर से जो सूचना जनता को दी जाएगी वो किसके अंतर्गत आएगी, अधिसूचना के अंतर्गत आएगी ये सूचना, और ये सूचना वैधानिक सूचना होगी, ठीक है। तो देखिए कोई सरकारी नियम हुआ, मान लीजिए कोई सरकारी नियम है, कोई चेतावनी है, कोई आदेश है, कोई बड़ी नियुक्ति है, तो उसके बारे में ये सारी जानकारी अधिसूचना में आएगी। ये सूचना वैधानिक कोटि की होती है, इसलिए इसे राजपत्र में ही दिया जाना चाहिए, जो कि वैधानिक माध्यम राजपत्र है। अगर वैधिक विधिक रूप से कोई सूचना आ रही है तो वो राजपत्र में ही आएगी, वो बाकी जगह नहीं आएगी। अधिसूचना सरकार के मुखिया, केंद्र सरकार में तो राष्ट्रपति होंगे और राज्य सरकार में राज्यपाल होता है, विभाग के किसी सचिव की ओर से नहीं, यद्यपि ये जारी सचिव करते हैं किंतु आज्ञा से। ध्यान दीजिएगा जब भी अधिसूचना आती है नीचे सचिव लिखा जाता है, लेकिन ये सचिव तो लिखा जाता है लेकिन उसमें साथ ये भी लिखा जाता है आज्ञा से राज्यपाल या आज्ञा से राष्ट्रपति, क्योंकि राष्ट्रपति और राज्यपाल हर लेटर को इतना नहीं कर सकते हैं, तो सचिव उनको, राज्यपाल उनको, सचिव को ये पावर देते हैं कि आप हमारी आज्ञा से इस कार्य को कर रहे हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अधिसूचना का प्रारूप। सबसे ऊपर सरकार का नाम, कार्यालय का नाम, अधिसूचना शीर्षक होगा, बाईं ओर पत्रावली का क्रमांक होगा, ठीक है, दाहिनी ओर दिनांक होगा। अधिसूचना वैधानिक होती है, इसीलिए इसे संविधान के अनुच्छेद या अनुच्छेद के अंतर्गत पारित अधिनियम, वर्ष, धारा, उपधारा का उल्लेख जरूर होगा। राष्ट्रपति, राज्यपाल, भारत सरकार, राज्य सरकार के आदेश का उल्लेख होता है। अधिसूचना में जो सूचना विषय वस्तु होती है उसका उल्लेख किया जाता है, ठीक है। नियम आदेश के जारी होने का, प्रभावी होने की दिनांक इसमें जरूर इंगित होगी। कभी होता है ना कि ये कानून इस तारीख से लागू हो जाएगा। आज्ञा से अंकित करने संबंधित विभाग के सचिव, अधिकृत अधिकारी का नाम और पद अंकित होगा। अधिसूचना अन्य पुरुष शैली में की होगी, जैसे यह सूचित किया जाता है, ठीक है। अधिसूचना की प्रतिलिपि सचिव, राष्ट्रपति, सचिव, राज्यपाल या संबंधित निजी सचिव, मंत्री के एवं निदेशक राजकीय मुद्रणालय
को अवश्य दी जाएगी, मतलब इसकी जो प्रतिलिपि है वो यहाँ पर इन जगह पे जरूर से जरूर पहुंचेगी। अधिसूचना के जारी होने की सूचना देने के लिए ये अनिवार्य अधिकारी है, ये एज इट इज याद कर लीजिए, ये होना जरूरी है, ऑप्शन में आ सकता है। यदि किसी व्यक्ति या संगठन विशेष के लिए अधिसूचना जारी की गई है तो उसको भी सूचित करना अनिवार्य है। अगर इसमें मान लो कोई अधिकारी की नियुक्ति हो रही है, कोई बड़े अधिकारी की नियुक्ति हो रही है, लोकायुक्त की नियुक्ति हो रही है, तो उसके पास भी ये लेटर जाना प्रतिलिपि के रूप में जरूरी है। तो अधिसूचना का जो प्रारूप है वो यहाँ पर दिया हुआ है। अधिसूचना की सूचना समाचार पत्र में भी प्रकाशित करते रहते हैं, किंतु उसका भारत राजपत्र, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश राजपत्र आदि संबंधित सरकार के राजपत्र में प्रकाशित होना अनिवार्य है, ताकि जनता वैधानिक रूप से सूचित हो सके। यहाँ पर ये देखिए, ये फॉर्मेट है राजस्थान सरकार का, जो बीच में दिया जाता है, राजस्थान सरकार न्याय विभाग अधिसूचना, यहाँ पर डेट आ गई, यहाँ पर पत्रांक नंबर आ गया, और इस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो फॉर्मेट है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये अधिसूचना का प्रारूप है। ठीक है, फिर यहाँ पर आज्ञा से आ जाएगा। ठीक है, जो आज्ञा से जो अधिकारी है या शासन सचिव और उसकी डेट्स आ जाएगी। ठीक है, इस जगह पर क्या हो गया, आपका क्रमांक नंबर आ गया, प्रतिलिपि आ गई। प्रतिलिपि जो जो सचिव को मैंने बताया था, सचिव नीचे सचिव पंजीयक को, निदेशक को मुद्रणालय में, और रक्षित पत्रावली जो एक सेविंग के लिए रख ली जाती है, रिमाइंडर के लिए रख ली जाती है, और नीचे यहाँ पर अधिकारी का नाम और उसका पद जो है ये फॉर्मेट हो जाता है आपका अधिसूचना का। तो दोस्तों ये रहा आपका कार्यालय से रिलेटेड जो भी इंपॉर्टेंट चीज हो सकती थी, वो इस वीडियो के अंतर्गत आपको यहाँ पर मैंने कवर करवा दी है। क्वेश्चन जब करवाऊंगा तो इससे रिलेटेड जब जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो भी स्टेनोग्राफर में आए हुए हैं उसके लिए यहाँ पर मैं क्वेश्चन करवाऊंगा, तो यहाँ पर वो भी चीज मैं आपकी क्लियर करा दूंगा। इस बार 180 पार का जो टारगेट है उसी को आगे लेते हुए हम लोग चल रहे हैं, और तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ 1450 क्लासेस के साथ, और अगर हमारी वीडियो पसंद आ रहे हैं तो लाइक और शेयर जरूर करें।